किस से रेस लग रही थी भाई तुम्हारी जिंदगी में? मतलब खुद से रेस लग रही है क्या तुम्हारी? और तुम और किसी में नहीं, स्कॉर्पियो में ठोकते। सुबह सुबह ले लेंगे तेरा, एक छोटा सा सीन है तेरा, करना क्या, भागो। इसका सीन ये है वीडियो में, ऐसे इसको ऐसे बोलना, भागो। हेलो गाइस, आफ्टर लॉन्ग टाइम, क्या हाल है सबके? भाई देखो मेरे को कहां से व्लॉग की याद आई, सबसे आगे अपनी हबीबी जा रही है, ठीक है, जतिन चला रहा है, उसके पीछे ये जा रही है कीर्ति, गाड़ी है ये ब्लैक वाली, और भाई इतना खींच रखी है ना इन दोनों ने गाड़ी। मैं तो कह रहा मैं F1 में चलाने लगी गई, इतनी तेज चला रही है गाड़ी को, आग बुझानी है। और मैं सोच रहा मैंने कहा क्यों, बिना मतलब क्यों इतनी तेज चला रहे हो भाई? चीकू चला रहा, चीकू पीछे पीछे, बिल्कुल पीछे भाई, बिल्कुल बिल्कुल पीछे लगा रहा है। फिर उसके पीछे हमारा ये झोटा चल रहा है, मैंने कितनी खींच रखी है ऐसे रोड पे भी, उसके बावजूद वो मेरे से बहुत दूर है। पता नहीं भाई क्या इनकी रेस लग रही है, पूछियो ना क्या कसम खा रखी है। क्या पूछूं भाई इनसे कि क्या कर रहे हो भाई? और ऊपर से मेरे को बोल रहे कि मैं ढीला ड्राइवर हूँ। ये तो बहुत तेज ड्राइवर है, कह रहे कि भाई ये भाई तो मतलब बहुत स्लो चलाता हूँ मैं गाड़ी, देखना कितना बिड़ा रखी है, आपस में ठोके। अगर ये थोड़ा सा लंबा ले जाना हो ना, ठीक है सुन, अगर ये थोड़ा सा लंबा जाना हो ना, मतलब कि 10-15 किलोमीटर और, तो आपस में ठोक देते हैं। अब देखो जैसे कि यहां ऑटोमेटिक है ना, जब तेज चला रही है, अगर मैनुअल होती है ना चलावाती, ऑटोमेटिक थोड़ी होएगी, ऑटोमेटिक है। ओ आई डोंट नो, तभी चला रही है। चलो कोई बात नहीं, ऐसा है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, आई होप आप सब लोग अपने घर पे ठीक ठाक होगे, मजे कर रहे होगे। भाई हम थोड़े से बिजी चल रहे हैं, कई दिन बाद इसका चेहरा देख लो गाइस, चेहरा तो दिखता ही रहता है कहीं ना कहीं, पर हम थोड़े से बिजी चल रहे थे यार, तुम्हें पता ही है, मैं अपना बताऊंगा मैं कहां बिजी चल रहा था, क्या था क्या नहीं था सीन। फिलहाल तो ये है कि हम एक शूट कर रहे थे, तो कल वीडियो डालनी थी, तो मैंने कहा तुम्हें पहले एक बार वीडियो के बारे में बता दूं कि आ रही है। ओ माय गॉड, टीवी और अर्जुन देख लो तुम, यहां चाबी ले ले पास ही है क्या? कीवी को उठा दे थोड़ा, कीवी आ जा ऊपर, अच्छा वो ले ले, अर्जुन पकड़ो, स्क्रैच मार देगी, पकड़ अभी तो शो पीपी कुछ ना करवा रखा। चलो भाई ऊपर चलते हैं पहले, फिर तुम्हें बताता हूँ अपनी दास्तां कि क्या चल रहा है जिंदगी में क्या नहीं, ठीक है? लो भाई, इन्होंने कितनी तेज खींच खींच के लाए है ना अपनी जान, तो पूरे लाए होंगे पटियाला। हाँ, एक सेकंड पहले पहुंचे हैं, फिर भी बराबर पहुंचे, एक सेकंड पहले पहुंचे, अब तक उतरे भी ना है गाड़ी पर, देख ले क्या फायदा निकाला इन्होंने भाई, झिलमिल झिलमिल सी आ रही है यार तेरे इसमें, तेरा फोन पुराना होगा भाई। अरे नहीं यार भाई, दिन इतने छोटे होने लग गए गाइस, क्या ही बता दूं, अब भी ना मान रहा फोन पुराना होगा, फोन तो पुराना होगा। मैं 15 ला रहा था, फिर उसमें कह रहे कुछ कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ कुछ ना बहुत दिक्कत है उसमें, तो इसलिए चक्कर ले लो, पकड़ अब लाऊंगा, फोन पकड़। चलो गाइस भाई अपना शूट करते हैं, ठीक है हमारा। हां भाई कपड़े ले लो, चेंज कर लो अपने, जो भी है जो पहन रखे थे उनसे अलग पहन लो कुछ भी। किस से रेस लग रही थी भाई तुम्हारी जिंदगी में? मतलब खुद से रेस लग रही है क्या तुम्हारी? और तुम और किसी में नहीं, स्कॉर्पियो में ठोकते, इतनी दूर चल रहे तुम, इतनी दूर, मैं उसी से तो आगे निकलने को हो रही थी बराबरी पे, पर वो नहीं निकला, उससे आगे निकलती कैसे, बिल्कुल उसके पीछे चल के। अच्छा तुम्हारी ये बहस चल रही थी, ओ माय गॉड, ये चला रहे फिर ये चला रहे, हम तो आगे सेफ आए आराम से 120 में चला के, हम बिल्कुल आराम से आए थे, उसके बावजूद हम तुम्हारे साथ साथ पहुंचे, नहीं हमने पहले 3-4 बार गाड़ी इधर उधर करी है, इधर यहाँ हाँ। भाई उतना ही था व्लॉग बनाते हुए आ रहे थे हम, वो भी इस गली में। हाई स्पीड क्या है? हाई स्पीड क्या? 260 260 यस 260 हाँ 180 इधर ही में तो हाँ या 220 भाई इसी बात से यही मार खा गए, मेरी हाई स्पीड 180 है, मतलब गाड़ी में जो दे रखी है वो ना जो मैंने खींची है। और गाड़ी में कितनी है? गाड़ी में होगी 260 चला रखी है, कैसे कोई स्विगी का ऑर्डर पूरा है? जितने भी पुलिस वाले, मैं कह रहा हूँ जितने भी पुलिस वाले देख रहे हो, डिलीवरी भी लग चुकी है, खुद इसने एक्सेप्ट करा है, चालान कट सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पैक कर दो दिल्ली पुलिस को, कह रहे मैं तो पागल नहीं भाई, वैसे मैं बताऊँ गलत बात है, इतनी तेज नहीं चलानी चाहिए गाड़ी, मैं बता रहा हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, फिर ज्ञान भी दे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 180 पे कभी नहीं चलानी चाहिए, 200 पे चलाओ। और सुन अरे 260 में तो स्पीड है इतनी की चल सकती है, मैंने तो 140 भाई मैं तुम्हें बता दूँ, सच बता रहा हूँ, इससे पूछ रहे हम जयपुर जा रहे थे बहुत 1.5 साल पहले, तेज गाड़ी चल रही थी, मतलब मैं चला रहा था पहले, मैं भी जस्ट ना कट मारना, पहले हम भी कट मारे करते हैं गाड़ी, इसलिए गाइस जो भी देख रहा है गाड़ी चलाओ तो सेफ चलाओ, गाड़ी सेफ ड्राइवर को सेफ ही लगती है हमेशा, मुझे भी लगी थी, ओ माय गॉड, लड़की ड्राइवर और वो भी बढ़िया पटियाला, ये कैसे हो सकता है,
चलो भाई शूट कर लेते हैं, अंधेरा हो गया, देख रहे हो यार है, एक सीन करो अंधेरा खत्म, मतलब रोशनी खत्म, नहीं 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 खत्म करेंगे आज, एक सीन ही तो रह गया बस, अब करते हैं फटाफट। ओके गाइस चलो अब मैं तुम सबको बता देता हूँ कि मैं कहाँ गायब हो गया था। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता है, जिन्हें नहीं पता बता देता हूँ, मैं अभी अभी पापा बना हूँ 1.5 महीने पहले, है ना, 1.5 महीने हो गया, 21 मतलब 1 महीने 10 दिन पहले लगा लो, ठीक है। तो सीन क्या हुआ, मैं व्लॉग कर रहा था डेली, रेगुलर व्लॉग कर रहा था, जब बल्कि जैसे वो भी था छठी थी, मतलब 6 दिन बाद जो छठी होती है बच्चे की, तो तब तक भी मैं कर रहा था, पूरे जोश में था और डेली व्लॉग कर रहा था, ठीक है। 2-4-5 दिन की नींद हुई थी कॉम्प्रोमाइज़, पर फिर भी मैं कर रहा था व्लॉग, लगातार कर रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब हॉस्पिटल से हम घर आ गए, तो उसके बाद भाई घर पे क्या होता है कि बच्चे को ऐसा है कि, मतलब ऐसे होता है हमारे में कि जो हस्बैंड होता है वो बच्चे के, मतलब जो बाप होता है वो अलग रहता है कहीं, मतलब ऐसे कि इस कमरे में घुसेगा ही नहीं, ऐसा कुछ रूल होता है। तो वो रूल मैंने पहले तो चेंज करवाया थोड़ा सा, कि यार ऐसे थोड़ी ना होता है कि मतलब किसका मन नहीं करता, मतलब अपने जैसे बच्चे को देखने का, साथ रहने का, वो जो 1 महीने तक जो छोटा रहेगा, बिल्कुल छोटा, वो एक अलग चीज़ है, उस टाइम पर रहना है ना, वो सारी चीज़ थी। तो मैंने वो कह कहा, मैंने कहा मम्मी मैं तो साथ ही रहूँगा, तो ठीक है वो सारी चीज़ हुई। उसके बाद भाई क्या नाम है कि ये हो गया कि ये मैंने कर तो लिया। उसके बाद ये हुआ कि रात को होता क्या है कि वो दिन में सोता है पूरे दिन, पूरे दिन, मतलब रात के 12 बजे तक भी वो तुम लगाओ तो 2-3 घंटे 2-3 घंटे लगातार ऐसे नींद के वो लेता है भाई, कि 2-3 घंटे लगातार सोने वाला सीन है ना। उसके बाद फिर दूध वूध पिया, थोड़ी बहुत देर खेला, फिर दोबारा सो गया, ऐसे सीन होता है दिन में। रात को भाई 12 बजे के बाद उसको पता नहीं क्या ही है चक्कर, उसको ये रहता है कि हर 15-20 मिनट सोऊंगा मैक्सिमम, नहीं तो फिर उठूंगा ही उठूंगा, ऐसा सीन है। अब उसके चक्कर में हम भी उठ रहे थे भाई, मैं ये समझ लो 3-3 घंटे, मतलब 24 घंटे में सिर्फ 3 घंटे की नींद हुई, कभी 2 घंटे की नींद हुई, ऐसे कर करके 1 महीना निकाला। और ये आंखों के नीचे तुम्हें पता नहीं डॉक्टर कल दिख रहे होंगे या हुए भी है नहीं हुए मेरे को नहीं पता, पर ऐसे हो गया था, मतलब ऐसे ना आंखें ऐसे कमज़ोर सी, और ऐसे हो गया था कि थकान सी बहुत ज़्यादा, वैसा सा फील हो गया था। तो मैंने सोचा कि भाई अभी व्लॉग से थोड़ा सा रेस्ट लेता हूँ, कुछ दिन बाद कर लूँगा, क्योंकि अभी मेरे को ना जो वो वाला फेज़ चल रहा था उसमें मज़ा आ रहा था। ये ऐसा नहीं था कि भाई नींद पूरी नहीं हो रही थी मैं परेशान हो रहा हूँ, उसमें मेरे को मज़े आ रहे थे, मैं जानबूझ के नहीं सो रहा था, वैसे वाला सीन चल रहा था। तो इस चक्कर में मैंने कहा व्लॉग थोड़े दिन नहीं डालता हूँ, उसके बाद डालेंगे, पहले खुद के लिए थोड़ा सा वो है ना कि भाई मेंटल पीस जरूरी है। अब जिस चीज़ में तुम्हें मज़े आ रहे हैं, मतलब वो चीज़ जो है वो दोबारा नहीं होएगी, मतलब ऐसा नहीं है कि उसका जो पहला जो 1 महीना है वो दोबारा तुम फील नहीं कर सकते, दोबारा तुम जी नहीं सकते। तो वो जी रहा था, उसमें बिजी चल रहा था, इसलिए मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे गाइज, लेकिन अब मैंने दोबारा व्लॉग चालू करा। और तुम्हें सबसे मेन चीज़ तो मेरे को ये बतानी थी, कल वीडियो आ रही है, मतलब जब सेम डे जब तुम देख रहे हो तो वो देखना है ना, लाइक कमेंट शेयर सब कुछ करना, उसका दूसरा मतलब वो तुम देखना, तभी देखना, जब देखोगे तुम्हें तभी पता चलेगा। कैमरे पे कैमरा फिर कैमरा, भाई क्या चल रहा है ये सीन यार। गाइज हमने अपना शूट कर दिया ख़त्म, ठीक है, एक छोटा सा सीन रह गया है, पर वो कर रहे हैं हम अभी। कहाँ भाई इतनी टेंशन में कैसे, और फूल देगा, ओह माय गॉड, पटियाला किसको दे रहा भाई, उसका तो सीन ही ना तेरा, येलो फूल ले रहा दोस्ती वाला। तो हमारा भाई सीन हो गया है, तुम्हें जो अपडेट देनी थी वो यही थी कि भाई वीडियो अपनी कल आ जाएगी, जो मैं तुम्हें दे चुका हूँ ऑलरेडी। तो जब ये व्लॉग देखोगे उसी दिन सेम डे वीडियो आएगी शाम को, देखना, बहुत सारा प्यार देना, ठीक है। इसका सेकंड एपिसोड जो आएगा वो बहुत ही, मतलब अभी मैं सोच रहा था इसी में एक साथ बनाऊंगा, पर बहुत लंबी वीडियो बन रही थी और ऊपर से फिर दिक्कत ये हो रही थी कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे तामझाम, ये वो, फिर उसमें लग जाता कम से कम महीना। तो मैंने कहा ऐसे नहीं करते हैं, 2 पार्ट में बनाता हूँ, हो सका तो 3 पार्ट में भी बना सकता हूँ, तो वो आने वाले टाइम में देखेंगे, तुम्हें पता चल जाएगा आने वाले उसमें, अगले उसमें, अगर अगला एपिसोड में ये हो गया भी पूरा खत्म हो रहा है जो स्टोरी सोच रखी है, ठीक है। अगर लगा कि लंबी खिंच रही है 30-35 या जब 35-40 मिनट की चीज़ होने लगती है, तो फिर मेरे को ऐसा लगता है कि ज़्यादा हो गया है ना, कि पब्लिक को भी ऐसा लगेगा क्या भाई मनीष भाई यार थक गए, मतलब पूरी मूवी सी हो गई। तो इसलिए मैं थोड़ी छोटे कर देता हूँ कि 20 मिनट तक का अगर बन जाए तो सही है, बाकी एक बार मेरे को कमेंट करके बताना कि अगर 30-35 मिनट की तुम्हें चलती है तो मैं डाल भी दिया करूँगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिलहाल मैं शूट ख़त्म करके और इनको वो कर देता हूँ, टाटा बाय बाय। लो गाइस हबीबी के दर्शन कर लो, हमारी हबीबी मम्मी जी। कहाँ घूम रहे हो, क्या लेकर आए हो? सिंगाड़े लेकर आए आंटी, गोलगप्पे खाते हैं। ओह ओह, तो आपको कैसे पता हमने भी गोलगप्पे खाए हैं? क्यों नहीं पड़ेगा, तू खाएगा तो मेरे मुंह में नहीं जाएगा। हम क्या करें भाई, किसी में अच्छा ही ना लगा तो हम क्या करें, सीन ले लेंगे, सुबह सुबह ले लेंगे, तेरा एक छोटा सा सीन है, तेरा करना क्या, भागो। इसका सीन ये है वीडियो में, ऐसे इसको ऐसे बोलना भागो और ऐसे निकल जाना गोली तरह। सही कह रहा है, ये सीन है। कितनी देर लगेगी नु बता, सुबह करेंगे तेरा सीन में, कितनी देर लगेगी सीन में? लगेगी कुल 10 मिनट 30 मिनट्स
मैक्सिमम भाई अलग अलग एंगल से लेंगे तेरा बढ़िया सीन। चालू कर दियो 6 बजे कर देंगे, 6:30 फ्री हो जाऊंगा। कैसे 7 बजे तक फ्री मान के चल, 7 बजे तक मान ले तू निकल ला कह रहा हूँ मैं, 7 बजे तू निकल ला तो फिर तू 12 बजे पहुंच ला। 6 घंटे दिखाई रहा है बिल्कुल खाली रोड पे, खाली रोड इस टाइम तेरे को मिलेगा। चंडीगढ़ जाना है ना, एक सेकंड, चंडीगढ़ जाना है ना, चंडीगढ़ जाना है तू? हाँ है ना, बता चंडीगढ़ जाना है, मुझे ना पता कहाँ जाना है। हाँ वही जाना, पर मैं तो तेनु कह रहा हूँ की। अच्छा अभी बता रखी तूने कहाँ जा रहा है? हाँ तो फिर ठीक है सुन, पर एक बात बता रहा हूँ, पटियाला ले जाइयो 3 घंटे में अगर ना पहुंचा दे। क्यों भाई, मुश्किल तो मुश्किल, मुश्किल तो मुश्किल, मुश्किल तो मुश्किल, 4 घंटे है ना, बस खत्म बात। मुक्का मार तो ले भाई, 5 में पहुंच जाएंगे हद से हद, 4 फॉर्च्यूनर ले जा, 225 किलोमीटर, 4 घंटे फॉर्च्यूनर का मतलब है 5 घंटे। सुन 320 किलोमीटर है चंडीगढ़, 225 भाई। सुन मेरी बात सुन, चंडीगढ़ फॉर्च्यूनर का मतलब है 5 घंटे का सफर 4 घंटे में। हाँ भाई इजी, बिना भगाए चंडीगढ़ 4 घंटे में तो हम पहुंच रहे यार, बताइए बीएमडब्ल्यू ले गए। अरे सुन नुकरा, हमारी बराबरी है क्या यार, है हमारा तो पैशन है भाई। कितने किलोमीटर? 225 किलोमीटर है यार। मैं नुकरा 320 है जो जहाँ पहुंचना है हमने, नुकरा ना 220 है, मैं कुछ बोर्ड पे बैठेगा चंडीगढ़ के वजह से। चल ठीक है, सुबह सुबह देखेंगे जितना जल्दी हो सकता है। ओके गाइज, हमारा व्लॉग आएगा उसको देखना, व्लॉग नहीं व्लॉग तो अब आ गया, वीडियो आएगी उसको देखना, लाइक कमेंट शेयर सब कुछ करना। हाँ ठीक है, कितने बजे अभी तेरी मर्जी है? 10, 11, 11:30, फिर रात को यहीं रुक जाओ क्योंकि सुबह सुबह जल्दी से वो करना है। शूट का सूट निकल रहा है, पता ना क्या हो गया, पटिया के साथ ज़्यादा रह लिया, शूट का सूट निकल रहा है, मैंने कहा सुबह सुबह जल्दी शूट करना है। भाई पता नहीं जीभ होगी होगी, बहुत दिन हो गए ना शूट करे या मतलब वो लोग करे, कोई बात नहीं। एनीवेज गाइस, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली तो इसको लाइक और शेयर कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, सबको घर भेज जाए, ठीक है भाई, बाय बाय।